जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वफाकी दार हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। आज 14 जनवरी है, हफ्ते का दिन है, वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और मौसम इंतहाई खुशगवार होने के साथ साथ सर्दी की लहर में भी मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। सुबह सवेरे और सूरज ने हमसे मुंह मोड़ लिया है, वो कहीं बादलों में जाके छुप गया है, जिसकी वजह से काले घनघोर घटाओं और बादलों ने अपनी जगह इस्लामाबाद में बनाना शुरू कर दी है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों पर काफ़ी हद तक धुंध नज़र आ रही है और 2 से 3 रोज़ तक ये धुंध मज़ीद बरकरार रहेगी। इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि बर्फ़बारी की वजह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत तमाम शुमाली इलाका जात में अगले 2 से 3 रोज़ तक बारिश होने के भी इम्कानात हैं और सर्दी की लहर में भी मज़ीद इजाफा होगा, जिसकी वजह से महकमा मौसमियात का कहना है कि लोग अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। आज भी 25% बारिश होने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 4 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। बारिश के इम्कानात 25% है, इसलिए लोगों से गुजारिश है कि वो बारिश के मौसम में अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल लाजमी करें। मैं हूं माहीन अली 7 वाली सेल्फी रिपोर्टर।